हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज के व्लॉग की स्टार्ट थोड़ी धमाकेदार होगी। क्योंकि भाई थोर बिल्कुल ठीक हो चुका है, एक डोज में ही ठीक हो गया। हमें तो यही लग रहा है कोई इसमें अब फीवर वगैरह कुछ भी नहीं है इसको, अब सब चीज सही है, पैर भी सही रख रहे हैं। और थोर के लिए मैं नया टॉय लेके आया हूँ, बॉल समझो उसकी, नई बॉल लेके आया हूँ। और वो खुशखबरी है कि 10 मिनट हो चुकी है, 10 मिनट से उसने तोड़ी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो चल जाएगी। बाकी भाई भगवान को पता है कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। पापा इस वाले कमरे में बैठे हैं, आज तो ऊपर ही बैठे हैं, आज संडे है ना, छुट्टी है ऑफिस की। नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। थोर की बॉल कैसी लगी? अब की बार ऐसी बॉल मिली है, शायद ये कई दिन चला देगा। हाँ, शायद चल जाए, हमें उम्मीद है कि शायद चल जाए। है पापा? अच्छी है, अच्छी है, बॉल अच्छी है। चलो देखते हैं नीचे जाके। रात में अच्छी है। चलो मैं बॉल दिखा देता हूँ थोर की। ये थोर तो ये सर है मेरा बेटा, और अपने पास लेके सर है। ये भी बॉल भाई थोर की, ये ना ये मस्त है, ये एक्सरसाइज भी कर सकता है इससे। जैसे एक साइड से इसने पकड़ लिया, एक साइड से मैं खींच लूंगा, तो ये ऐसे एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और अब तक ये सही है भाई, टूटी नहीं है, तो आई होप कि ये चल जाए थोड़े दिन। नहीं चलेगी बेटे के, और ले आएंगे। हाँ, चल नीचे चल के ले लियो। चल थोर, चल थोर। और आज थोर के लिए वो चिकन ग्रेवी भी लेके आया हूँ मैं, वो खाने में डाल के देखी थी इसकी, वो जो पेडिग्री की आती है, तो आज तो इसने खा लिया, तो ये मेरे को लग रहा है ठीक है इस हिसाब से। तो बाकी आगे एक दो बार और खिलाएंगे तो रिव्यू बताता हूँ आपको, सही है नहीं है। मम्मी इसमें से पौधे कहाँ गए? ये भाभी लेगी ना, अब को लगा देंगे ऊपर के। तो भाभी क्या, अच्छा पौधे ही लेगी? अभी मेरे भैया और भाभी आए थे, तो वो ये पौधे क्यों लेगे? नीचे भी तो थे पौधे, नीचे फिर खोल लगो ना, शाम को लगा देंगे। चलो वापस लगा, तोड़ के लाते तो ठीक नहीं था ना। देखे आपने पिछले बॉक्स में देखा होगा ना, ये पूरे भरे हुए थे, शाम को लगा देंगे। अब उनमें भी लगाना है, इसमें से भी निकाल लिए हैं, इसमें से भी इस वाले में से भी। देखे हमारे घर से पौधे सोनीपत जा रहे हैं, दूर दूर डिलीवरी हो रही है। आज गेम खेलना है यार, आपा ने प्रॉमिस करा था, वो ऊनो ऊनो खेलेंगे। मैं इनो बोल दिया था मैंने इनको बोला मानू, आज तो गेम खेलना है यार, आपा ने कहा था। मैं आज थोड़ा मतलब कि खेलेंगे, थोड़ा टाइम भी लेट कर दिया तूने, कुछ भी नहीं कर रही तू। मैंने पता क्या कहा मानू, वो इनो गेम भी तो खेलना है। क्या कहता? और उसका नाम क्या है? और तू है ना, निकल ले मेरे कमरे से। कुछ नहीं, तोड़ दिया, खुला है, टूटा नहीं है कुछ भी। अरे ये वो ये क्या बोलते हैं इसे, क्यूब, क्यूब थोड़ी है यार, ट्रायंगल की शेप में क्यूब है। मैं आप लोगों को दिखाने वाला था, परी मेरे से गिर गया। ये मानू तूने ले तो लिया, इसको खेलती है तू है? अरे आदित्य का ठान है क्या ये बोला? अच्छा आदित्य का, तो आदित्य कौन सा खेलता है? तभी तो मैं ठान आई। ये भाई हमारे घर पे सारे एक और दूसरा भी है ना, सारे है, मिरर सिंपल सारे की। सारे है पर कोई खेलने वाला कोई नहीं है, सिर्फ इनको ऐसे डेकोरेशन जैसे पौधे पौधे लगा रखे, ऐसे ये लगा रखे ना, ऐसे डेकोरेशन के लिए। ये इस घर में किसी को नहीं आता, सॉल्व करना मत कर, रहने दे, चैलेंज कंप्लीट है। ले रुक जा मैं अभी करता हूँ, क्यों कंप्लीट, ले मैं ये तोड़ता हूँ और इसको करके दिखा। तो बस ये मैंने घुमा दिया, देख लो भाई मैंने घुमा दिया, ले मानू कर, मानो कर भाई, अभी तूने कहा था ठीक कर दूंगी। मैंने तो बोला नहीं तूने, खुद ही मन में जो खुद सोच रहा होता है वो सच नहीं होता। अच्छा आज का सुविचार तो दे दे एक बार। सुविचार तो बस ऐसे फालतू पैसे वेस्ट मत करो, बर्बाद। हाँ इन ऐसी ऐसी चीज जो है, ये सारे क्यूब ले आए हैं पर इनको सॉल्व करना भी नहीं आता, धक्के की जो चीज पसंद है वो उठा लेते हैं ये, तो ऐसे बेफालतू की चीजों पे पैसे वेस्ट मत करो। तो मैं नहा लिया हूँ, नहा के आपने देख लिया चेहरा मेरा खिल जाता है। और थोर ने वो बॉल भी तोड़ दिया है, और ये रे पापा जो भी डस्टिंग कर रहे हैं। डस्टिंग ये मानो ये थोर यहाँ पे शीशा खराब कर देता है मुंह लगा लगा के।
तो इस शीशे के एक बहुत बड़ा फायदा भी है कि बहुत अच्छा लगता है, अगर एक ये नुकसान भी है, अगर आप पे डॉग हो तो ऐसे करते करते सारी जगह थूक लगा देता है। तो देखो ये खाली बैठी आलू खा रहा था। अच्छा मेरे दिमाग में ऐसी आइडिया आया, मैं कि तुम्हारे पापा के फोन में कितने नंबर सेव है, तो अभी मैंने पापा से पूछा, पापा ऐसे ही नंबर सेव कर रहे थे, कितने नंबर सेव हो पापा? गिनने थोड़ी आया कर है, ऊपर लिखा होता है इसमें खत्म हो गया अंदाजा। मेरे फोन में मैं बताऊं, हजार मेरे फोन पापा में जी कमला मौसी के 1500 नंबर सेव है। मेरे फोन में पता नहीं कितने कमला मौसी मेरे सबसे बड़े से एक नंबर छोटे वाले मौसी है। मेरी तो सुन लो मेरे कितने नंबर थे, कितने सेव है? मात्र 22। ये बात सही। और मम्मी आपके? मेरे मम्मी 600-700 इतने नंबर करोगे हो तुम लोग? मेरे देख मात्र 22। चलो मेरे देखो कितने हैं। मेरे 22 से एक ज्यादा एक कम नहीं होते यार, ये बताता तो नहीं है कितने सेव हैं, कैसे पता चलता है यार? हाँ मेरे तो 500 भी पूरे नहीं है मम्मी, मम्मी मेरे तो 500 भी पूरे नहीं है यार। हाँ तो बच्चा है। हाँ मैं तो बच्चा ही हूँ अभी। पापा को तो 1000, मेरे को तो लग रहा है 1000 से ज्यादा हो गए, जब कमला मुझसे के 1500 है तो पापा के कम से कम 2000 पाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल काम और सारी चीजें और सारा इसी फोन में सेव होगा नंबर, है ना पापा? अच्छा कर लिया सूट बाद में ऑनलाइन। तो अभी ना मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं थोर के लिए चिकन लेके आ रहा हूँ और हमारे लिए मैगी ला रहा हूँ, आप लोगों को एक हेल्दी मैगी बना के दिखाएंगे कैसे बनती है, हमारी देसी जुगाड़ा हो कैसे बनती है, पर हेल्दी बना के दिखाएंगे ना आप। जैसे अब हम दोनों ने काम बांटे थे, मेरे को वेजिटेबल्स को चॉप करना था, भैया जी हमारे पहले इसको पतीला बोलते हैं ना, कढ़ाई को ऐसे रखो, कढ़ाई को ऐसे रखो भाई। इसमें पानी, ये एक तो मैं ऐसे ना न्यू इंटर्न से काम कर, और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अरे और देखिए, और पानी ले लो, और ये नो चिली फ्लेक्स ले लो। नहीं नहीं पानी तूने नाश कर दिया था पिछली बार, ये डाल के यार तक खुद तो थोड़ा ज्यादा डाल दिया था मैंने। नहीं नहीं डालेंगे, ये रख दो वापस, चिली फ्लेक्स डालेंगे, चल देखेंगे बाद में, लास्ट में देख लेंगे। ये हो गई है हमारी छोटी छोटी सब्जियां कट गई, इससे ज्यादा हम डालते भी नहीं, मजा नहीं आता। अब सबसे मेन इंग्रेडिएंट हमारा घी भी भर चुका है। हाँ, मसाला दाने भी लेंगे, मसाले की जरूरत तो नहीं है। ये सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा, इंग्रेडिएंट आग के बाद इंग्रेडिएंट है, पानी तो सूख लेने दे, पानी सूख ले दो, ये मुझे पता था मुझे पानी सुखाना पड़ता है। हमारी चिमनी अच्छी है ना, थैंक यू। पानी सुखाने के बाद इसमें पहला इंग्रेडिएंट डलेगा, अभी पानी पटपट जलेबा, जलेबी है, लाडू, लाडू जलेबी, ऐसे इनको लड्डू बोलते हैं, बट हरियाणा में लाडू होते हैं, लाडू जलेबी, लाडू जलेबी, मट्ठी, मट्ठा, मट्ठी। ये देखो ये जल रहा है ना, ओ ये आग में देगी कैमरे में। अब हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट, रुक जा पूरा पानी सूखने दे, नहीं तो फटफटा शेफ को बीच में मत बोलो, तो शेफ हमारा इतना फद्दू हो तो बोलना पड़ जाता है। ये देखो अब मैं बताता हूँ आपको, हाँ डाल घी डाल डाल, एक चम्मच घी से काम नहीं चलेगा, जिससे इसको घुमाएगा वो करछी वो भी लेनी होती है, एक चम्मच घी से काम नहीं चलेगा भाई साहब, 2 चम्मच घी डालो ऐसे डालो। अरे वो तो ले ले जिससे इनको मिलाएगा तू, एक सेकंड शट अप। शेफ क्या क्या नहीं बोला करते, 2 चम्मच, चलो अभी देख लेते हैं। हाँ अभी से ये भी से करछी नहीं मिलेगी, शेफ देख लो भैया हमारा, ये रही करछी हमें पता है कौन सी चलेगी भैया, ये चलेगी दीदी, ये आ गई हमारी करछी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको गरम, तुझसे पूछा मैंने शेफ मैं हूं ना, मैंने सिखाया तुझे खाना, सबसे पहले आपने डालना है भाई ये प्याज, ऑनियन, ऐसे थोड़ा पीछे हो जाए चीटे लग सकते हैं। मानो और घी डालो, हेल्थ पता है, हेल्थ ये है, नीचे बड़ी डोली है वो हम भर देंगे अभी, पहले वो ये है हेल्थ, ठीक है? आप समझ आया हेल्दी क्यों कह रहा था मैं, क्योंकि इसमें घी है। एक बार मेरे लिए कोई कैमरा पकड़ेगा, एक पकड़ी एक पकड़ ले एक बार,
घी में फैट होता है। यहाँ युद्ध हो जाएगा। मम्मी घी हेल्दी होता है या नहीं होता? मम्मी घी में होता है ना, सारी लिमिट तक हेल्दी होता है। सही बात है ना मम्मी, इस उम्र में कोई लिमिट नहीं। हरियाणा में रह के और कभी घी हेल्दी नहीं होता। आओगे तो तुम्हें हरियाणा से निष्कासित किया जाता है। निकलो चलो। ठीक है, मैं पंजाब में जा रहा हूं। तो पंजाब में भी इसी रूल है। एक काम कर, तू उस तरफ जा बॉर्डर पर, चल पकड़ से लोग बना के निकलती हूँ। बाकी उधर भी घी चलता है, घी तो हर जगह चलता है भाई नॉर्थ इंडिया में। अरे जल गए तेरे, दूसरे डालो। बकवास कर रहे, चलवा दिए। देखो इतना केयरलेस शेफ है ये। केयरलेस नहीं हो, मैं जानबूझ के कर रहा हूं। हां हम एक काम करो, मेरी तरफ करना कैमरा, बस आगे तो सारा प्रोसेस वही है, आप समझ गए होंगे। तो हेल्दी क्या था? घी। अब ये बनाने के बाद मिलता है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें थोड़े से ये चिली फ्लेक्स डाल देंगे हम। तो कैसे लगे हमारी हेल्दी मैगी, हम खा के बताते हैं कैसी लगी। चलो भाई बांटो पत्ते, बांटो उनो खेलेंगे हम। यार तो सीधा कर ले, उनो खेलेंगे। पहुंच गया भाई। हेलो, कहाँ काट रहा था आज तू? आज मैं शादी में गया हुआ। आज इसका वेट करते करते भाई रात हो चुकी है, पर फिर भी हमने कहा था तो हम खेलेंगे। और यार पता नहीं क्यों ये लाइट में सेट नहीं हो रहा, मेरे को इसकी सेटिंग नहीं पता। मैं सेटिंग देखूंगा कैमरे की, फिर हो जाएगी। एक बार थोड़ा सा कोऑपरेट करना। क्या वो हमारी लीड का एक्सचेंज चल रहा था ना, तो अभी चल पट्टे घूम, पत्ते बांट भाई। ये ब्लैक लेगी, मैं वाइट लूंगा। वाह भाई वाह, पत्ते बांटो। ऊनो है, ऊनो पहली बात छोड़ो, तेरे बाद मेरी थी तो इसकी होगी। कौन सा था कौन सा था? मालूम के दो पत्ते रह गए, तीन है। अदित्य चलो उनो, अदित्य करते काम करते बैठता है, कलर चेंज कर देगा। प्लस फोर है यार, जीत गया यार, जीत गया, जीत गए, जीत गया। चलो ये मानो हारी हुई है, मानो हमेशा हारती है। ये सबसे बड़ी चीटर है और ये हमेशा हारती है। चीटर मानू है सबसे बड़ी चीटर, मतलब एक तो चीटर है। आरती भी मानू है, मैं खेलती। ये हमारा थोड़ी आ गया, सो रहा था बेटे तू। ये झूठ बोल रहे हैं सरासर। ये जो ये है नहीं, ये छिपकला सा, ये है चीटर सबसे बड़े वाला। और ये खुद के ही रूल बनाने वाला है। और मैं जीतती हूँ हर बार, और हर बार तो नहीं कभी कभी, और है ना फिर, और मैं चीटिंग नहीं करती। चीटर है ये सबसे बड़ा चीटर है। थोड़ा हाथ पीछे लेके चुप रहे, ये है चीटर। ये पता है क्या करता है, जैसे ये पत्ते ऐसे फैले हुए हैं ना, और इसकी बारी चल रही होगी तो पता क्या करेगा, इधर से निकाल के यूं करके इनमें पहले टोलेगा, बारी आएगी ना तो यूं उठा के ले आएगा अपना उल्टा। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा, आज के ब्लॉग में आप लोगों ने देखी मैगी हमारी, उनो खेला हमने, हमने फुल मजा किया। और वो तोड़ दिया था क्यूब। हाँ ये तोड़ दिया, ये क्यूब है ना, कन्नू ने फेंक का मारा नहीं तो खुल गया बेचारा, और इसको शफल कर दिया। और है ना, और कल वाले ब्लॉग में हम और कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।